वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ क्लास प्लस टू। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड। द टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज मदर एंड चाइल्ड। Artist is Jamini Roy, medium is tempera watercolor, and period is modern. Now let's discuss the subject matter of this painting. This painting depicts a mother holding her child. जैसे कि आप यहाँ पे picture में देख रहे हो, mother is holding her child. The subject matter matches totally with the title of the painting. तो इस painting का name है जो mother and child, वो इस painting से totally match करता है title के साथ। इसका subject matter है जो painting का, वो match करता है totally. Now the description of this painting. This is a vertical painting, as you are seeing on the screen. This is vertical by Jamini Roy. Jamini Roy artist, जिसने ये paint की थी picture. A mother is holding her son with her left hand on the left side of her waist. जैसे कि आप यहाँ पे picture में देख रहे हो, mother ने अपने left hand से child को hold किया हुआ है और अपने waist के पास उसे पकड़ा हुआ है। फेस इज कप शेप्ड, आईज आर एलोंगेटेड एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। अ स्टाइलाइज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ पाला स्कूल ऑफ ईस्टर्न इंडिया। और ये इन्फ्लुएंस है जो, ये इसकी फीचर्स हैं जो पेंटिंग की, उन पे पाला स्कूल ऑफ ईस्टर्न इंडिया का इन्फ्लुएंस अफेक्ट साफ दिखाई दे रहा है। द चाइल्ड ऑल्सो हैज सिमिलर आईज विथ थिक आईब्रोज। और चाइल्ड की आईज भी सेम, जैसे मदर की आईज दिखाई हुई हैं, सेम वे में चाइल्ड की आईज को प्रेजेंट किया गया है। मदर्स हेड इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। तो मदर का हेड है जो, वो सन की तरफ झुका हुआ है थोड़ा सा। द चाइल्ड इज टोटली नेक्ड वाइल द मदर इज वेयरिंग अ साड़ी। तो यहाँ पे चाइल्ड नेक्ड है और मदर ने साड़ी पहनी हुई है। बॉर्डर ऑफ द साड़ी इज शोन एट डिफरेंट प्लेसेस। तो बॉर्डर यहाँ पे साड़ी का साफ दिखाई दे रहा है पेंटिंग में, जहाँ पे पेंट किया हुआ है। ऑन वन साइड वी कैन सी अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक साइड पे, पेंटिंग के एक साइड पे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। Both mother and child are decorated with ornaments. तो mother and child दोनों ornament से, गहनों से decorate किए गए हैं। There is a small bun on the top of the child's head, similar to Roy's images of baby Krishna. तो जैसे baby Krishna के head पे Roy की other images में उन्होंने एक bun, that is a स्ट्रक्चर ऑफ हेयर दिखाया गया है, वैसे ही उन्होंने यहाँ पे भी एक बन दिखाया है चाइल्ड के हेड पे। द फोक मोटिव्स इन द बैकग्राउंड कैप्चर द सिंप्लिसिटी ऑफ लोकल एंड रूरल लाइफ। तो जो फोक पैटर्न है जो इस पिक्चर में जो दिखाई गए हैं बैकग्राउंड में, वो रूरल लाइफ की और लोकल लाइफ की सिंप्लिसिटी को शो करती हैं। दिस मदर इज अनमाइंडफुल ऑफ एवरीथिंग अदर देन हर रोल एज अ मदर। तो ये मदर जो इस पेंटिंग में दिखाई गई है, उसको हर एक चीज के लिए इग्नोरेंस दिखाई गई है उसमें। ओनली अपने चाइल्ड की तरफ अट्रैक्टेड दिखाया गया है और उसका जो मेन रोल एज अ मदर ही दिखाया गया है। सच पोर्ट्रेयल हैज अ रूरल सिंप्लिसिटी
वेयर कंटेंटमेंट कम्स ईजी। तो यहाँ पे जो इस पिक्चर में रूरल सिंप्लिसिटी को दिखाया गया है, जो कि एक आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन का ही एक सोर्स है। लाइंस आर वेरी शार्प, थिक एंड फुल्ली एक्सप्रेसिव। लाइंस शार्प हैं, थिक हैं, हर एक लाइन क्लियरली दिख रही है, और फुल्ली एक्सप्रेसिव, जो एक्सप्रेशन है वो लाइंस के थ्रू दिखाया गया है। तो लाइंस आर फुल्ली एक्सप्रेसिव। द फिगर्स आर इन अ सिंगल फ्रंटल प्लेन इन सिंपल टू डिमेंशनल फॉर्म्स विद फ्लैट कलर एप्लीकेशन एंड फोर्सफुल लाइंस। तो जो फिगर्स हैं वो टू डिमेंशनल फॉर्म में कलर एप्लीकेशन के द्वारा और लाइंस, फोर्सफुल लाइंस के द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया गया है। द फ्लैट कलर्स ऑन द फ्लैट प्लेन्स हैव रिमूव्ड ऑल अननेसेसरी ऑर्नामेंटेशन फ्रॉम हिज वर्क। द बोल्ड लाइंस डिफाइनिंग कर्व्स कम अलाइव विद हर फेमिनाइन ब्यूटी। द बोल्ड स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स एट द कंटूअर्स ब्रिंग क्लैरिटी इन टू द कंपोजिशन। तो जो बोल्ड स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो और भी ज़्यादा क्लैरिटी लेके आते हैं कंपोजिशन में। देर इज अ सेंसिटिव मोल्डिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिगर्स विद टोनल ग्रेडेशंस। तो यहाँ पे टोनल ग्रेडेशंस को यूज़ किया गया है, टोन्स को यूज़ किया गया है वॉल्यूम ऑफ फिगर्स को मोल्ड करने के लिए। द डेकोरेटिव मोटिव्स आर फ्रॉम कंथा एंड अल्पाना ऑफ बंगाल। तो ये डेकोरेटिव पैटर्न्स हैं जो वो कंथा और अल्पाना बंगाल, वेस्ट बंगाल की जो आर्ट्स हैं उनमें से लिए गए हैं। जो यहाँ पे आपको थ्री और पिक्चर्स दिख रही हैं, फर्स्ट है जो वो कंथा ऑफ बंगाल की है, वेस्ट बंगाल में कंथा आर्ट, कंथा एम्ब्रॉयडरी वर्क है जो यूज़ होता है। सेकंड पिक्चर है जो वो अल्पाना की है, अल्पाना ऑफ बंगाल की। एंड द ओवरऑल ट्रीटमेंट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ कालीघाट पट पेंटिंग्स। तो यहाँ पे इस पेंटिंग पे, मदर एंड चाइल्ड की पेंटिंग पे क्लियर इन्फ्लुएंस, क्लियर इफेक्ट दिख रहा है कालीघाट पट पेंटिंग्स का। और इसी इन थ्री पिक्चर्स में जो इस पेज पे आपको दिख रही हैं, इस स्क्रीन पे दिख रही हैं, उनमें से जो थर्ड पेंटिंग है, थर्ड पिक्चर दिखाई गई है, वो कालीघाट पट पेंटिंग्स की एक एग्जाम्पल है। तो दीज थ्री एग्जाम्पल्स आर, फर्स्ट इज ऑफ कंथा ऑफ बंगाल एंड सेकेंड इज अल्पाना ऑफ बंगाल एंड थर्ड इज कालीघाट पट पेंटिंग्स। नाउ द कलर स्कीम ऑफ दिस पेंटिंग। द आर्टिस्ट पैलेट इज लिमिटेड टू अ फ्यू अर्थी कलर्स, मोस्टली ग्रीन, रेड, येलो, येलो ऑकर, ग्रे, वर्मिलियन, ब्लू एंड लैम्प ब्लैक। ये कलर्स, अर्थी कलर्स को यूज़ किया है और ये सारे कलर्स उसमें यूज़ किए गए हैं इस पेंटिंग में। और पैलेट, पैलेट मीन्स अ थिन बोर्ड और स्लैब ऑन विच एन आर्टिस्ट लेज एंड मिक्सेस कलर्स। तो जहाँ पे कलर मिक्स किए जाते हैं उस बोर्ड को पैलेट कहा जाता है। द कलर बैंड्स ऑफ वेरिंग थिकनेस ब्रिंग डाउन द हार्शनेस ऑफ द ब्लैक लाइन। तो जो कलर बैंड्स हैं, थिकनेस उनकी अलग अलग है, वो दे आर ब्रिंगिंग डाउन द हार्शनेस ऑफ द ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन की हार्शनेस को वो डाउन कर रहे हैं। द आर्टिस्ट हैज लिमिटेड हिमसेल्फ टू द बेसिक वाइट लाइन ड्राइंग फॉर ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन के लिए बेसिक वाइट लाइन यूज की है यहाँ पे इस पेंटिंग में। जेमिनी रॉय वॉज अ मॉडर्न आर्टिस्ट मोर देन एनी थिंग एल्स हु फॉलोड एन एंटायरली डिफरेंट पाथ ऑफ एक्सप्रेशन डीपली इंस्पायर्ड बाय द बंगाल फोक ट्रेडिशन। हिज स्टाइल हैड अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन सक्सीडिंग पेंटर्स। तो ये थी इस पेंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन, पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड फ्रॉम मॉडर्न स्कूल। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम और भी टॉपिक्स लेके आएंगे अपने चैनल पे। और ये जो एक लाइव क्लास की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, तो यहाँ पे लाइव क्लास 5 दैट इज़ रिगार्डिंग टेंसेज, 4 क्लासेज आर ओवर
This is live class 5 that will be tomorrow at 10:30 a.m. Don't forget to join this class. In this class, we will discuss about the use of tenses in translation. Translation mein tenses kaise use karte hain, kaun sa tense kis sentence mein use hoga, uske bare mein is video mein discuss karenge. To iske liye hamare channel ko subscribe kijiye aur is live class ka link aaj hi aapko इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ सब्सक्राइब आवर चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस एंड लाइव क्लासेस ऑन आवर चैनल.